गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ लाइफ लेसंस। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अपने लाइफ पार्टनर को चीट करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? हम में से लगभग हर किसी ने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इसका सामना जरूर किया है। या तो हमारे किसी फ्रेंड ने ऐसा किया है, किसी फैमिली मेंबर ने, किसी कॉलेज ने, या किसी दूर के जानने वाले ने, या फिर कई बार हम में से ही किसी ने। पर क्या आपने कभी कुछ देर शांत बैठकर इस सवाल को खुद से पूछा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? जिस इंसान के साथ वो पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहते हैं, आखिर उसी से चीट क्यों करते हैं? क्या समय के साथ प्यार खत्म हो जाता है, या फिर इसका रीजन कुछ और है? गहरी डीप ह्यूमन साइकोलॉजी। इससे पहले कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं, यदि आज का प्रश्न आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो लाइक का बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए और खुद को जानने की इस जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। नंबर एक, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। ह्यूमन इवोल्यूशन में मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन रखना प्रकृति की तरफ से इस बात की गारंटी थी कि ह्यूमंस लंबे समय तक सरवाइव करते रहेंगे, आप इसे माने या ना माने। पर नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन इंसान की समझ और सभ्यता के दायरे से परे है। ये हमारे बहुत अंदर, हमारे जीन्स तक जाता है। जरा सोचिए, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा हर चीज को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इवोल्यूशन के आधार पर ये समझ जाता है कि सर्वाइवल के लिए उसे भोजन की जरूरत है। ठीक इसी तरह ह्यूमन इवोल्यूशन हम इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखें। ऐसा करते हुए कई बार लोग अनफॉर्चुनेटली अपने पार्टनर को चीट तक कर देते हैं। नंबर दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जरा सोचिए, अगर इंसान को ये पता हो कि भविष्य में उसके द्वारा की जाने वाली चीटिंग का सबको पता हो जाएगा, तो क्या वो कभी अपने पार्टनर को धोखा देगा? आंसर है नहीं। ज्यादातर लोग ये काम तब करते हैं जब उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि ये चीज भविष्य में किसी के सामने नहीं आएगी। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है और आप उसका फायदा उठा लेते हैं। नंबर तीन, पीयर इन्फ्लुएंस। हमारे समाज में मल्टीपल फीमेल्स पार्टनर वाले मेल्स को एक सिग्मा मेल की तरह देखा जाता है। लोग उसकी मर्दानगी की बधाइयां देते हैं, दोस्तों के बीच वो काफी फेमस होता है। हालांकि सच ये है कि इस तरह की फेम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही सर्वाइव करती है। पर जैसा कि इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रीड ह्यूमंस की लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और उसे शॉर्ट टर्म के गेंस लेने के लिए मजबूर करता है। नतीजा, दोस्तों के बीच खुद को बेहतर साबित करते हुए बहुत से लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे को चीट तक कर देते हैं। नंबर चार, रिलेशनशिप डिससेटिस्फेक्शन। ह्यूमन रिलेशन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लव लैंग्वेज का। इसका मतलब यह है कि हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग अलग तरह की होती है। मिसाल के लिए, किसी के लिए प्यार का मतलब है कि आप उसे सफिशियंट समय दें, उसके साथ घूमने जाएं, उसे अच्छा फील करवाएं और हर समय उसके आसपास रहें। वहीं दूसरी ओर किसी के लिए लव लैंग्वेज का मतलब है कि क्या आप उसे बहुत ज्यादा चिपक तो नहीं रहे हैं, उसे स्पेस दें, उसकी इंडिविजुअलिटी की रेस्पेक्ट करें। जब इंसान अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझने में नाकाम रहता है, तब ज्यादातर रिश्तों में दरार आती है। इसीलिए रिलेशनशिप डिससेटिस्फेक्शन सामने आता है। ऐसी हालत में यदि आपको आपकी लव लैंग्वेज समझने वाला तीसरा पार्टनर मिल जाए, तब चीटिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि अपनी लाइफ और अपने लाइफ पार्टनर की लव लैंग्वेज को ठीक से समझें। इस बारे में आप स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट की बुक्स की या फिर कुछ वीडियोस की मदद ले सकते हैं। नंबर पांच, पर्सनल ट्रेट्स। कुछ स्पेसिफिक टाइप की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे कि इंपल्सिविटी या फिर सेंसेशनल सीकिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें ऑटोमेटिकली शॉर्ट टाइम चीटिंग्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स पसंद होते हैं। ये लोग डोपामिन रश या फिर थोड़े से एडवेंचर के लिए अपने लाइफ पार्टनर को चीट करने तक से नहीं घबराते। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे काम करने में मजा आता है जिसमें थोड़ा थोड़ा डर हो, वरना फिर जिंदगी के मजे ही क्या हैं? यदि आपके लाइफ पार्टनर में या फिर आपके आसपास मौजूद लोगों में ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स अवेलेबल हैं, तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वे अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को आप पढ़ते जाते हैं और लाइफ लेसन से सीखते रहते हैं, आपको जिंदगी के बारे में एक गहरी समझ का एहसास होता है। ये समझ ये कहती है कि इंसानों की सबसे खास क्वालिटी असल में हमारे नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट में होती है। मिसाल के लिए, इंसानी नेचर है आराम करना, हमारा शरीर आराम चाहता है, पर खास क्वालिटी इससे बिल्कुल विपरीत हार्ड वर्क होती है। इवोल्यूशन की तरफ से ह्यूमन को मल्टीपल पार्टनर्स रखने का नेचर मिला है, पर खास क्वालिटी है लॉयलिटी। जैसा कि वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, लॉयलिटी इज अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। पर सभ्यता के इस दायरे में रहते हुए और एक दूसरे के जज्बातों की कद्र करते हुए अगर आप ध्यान से देखिए, तो इंसान की महानता मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने में नहीं, बल्कि एक पार्टनर के साथ लॉयलिटी से जीवन बिताने में है। अगर आपको रामायण से कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, तो भी आप चाहें तो प्रभु श्री राम के जीवन से लॉयलिटी की ये एक क्वालिटी तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपने आसपास के इलाकों की सैकड़ों कहानियों में आपकी एक कहानी भी जुड़ जाएगी।